रहते हैं ये, मैंने बोला हो सकता है म्यूज़ियम खुला हो तो यहाँ थोड़ा शो देख लेंगे, स्पेस शो। लेकिन बोलते हैं ट्यूसडे को ये स्पेस शो बंद होता है जो इस गोल सी बिल्डिंग के अंदर होता है। ये आप देखो, ये गोल सी हॉन्गकॉन्ग स्पेस म्यूज़ियम है या स्पेस शो है, तो ये आज बंद है। और साथ में वो कल्चर सेंटर है। अभी चलते हैं, थोड़ा आपको सी साइट और ये जगह दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बीच में गोल सा जो है, इसमें पूरा स्क्रीन बनी हुई है और उसके ऊपर आपको जब शो चल रहा होता है तो ऐसे लगता है कि आप खुद खला में उड़ रहे हैं या जैसे कुछ हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। और ये बाहर इन्होंने चारों तरफ से इसके पानी रखा हुआ है, ये निकलता है सी साइड की तरफ। लेकिन हम लोग थोड़ा सीधा चल के वहाँ आपको के 11 मोसिया का थोड़ा नज़ारा करवाने के बाद सी साइड की तरफ निकलेंगे और फिर वापस स्टार फेरी से आ जाएंगे। तो चले आए, देखते हैं। अच्छा, यहाँ सीधा जाने के बजाय हम लोग के 11 मोसिया का जो ये सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है इसमें घुसते हैं और नीचे से आपको थोड़ा शॉपिंग मॉल का नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं उस तरफ। तो आए देखते हैं। ये वैसे के 11 मोसिया का जो इन्होंने अंडरग्राउंड बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ मुख्तलिफ किस्म की शॉप्स हैं। दो फ्लोर तीन फ्लोर हैं। एक्सप्लोर ए वर्ल्ड ऑफ लेजो, तो ये रास्ता निकलता है उस तरफ शेरटन होटल की तरफ जहाँ से अभी हम लोग आए हैं। और नीचे वैसे शॉपिंग और रेस्टोरेंट है जो आपको मैं इधर ऊपर से दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको इसका हिंट दे देता हूँ ताकि अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए आसानी हो। और फिर यहाँ से चलते हैं। यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे ज़्यादातर बच्चों के और गेम्स वगैरह की जगह हैं। अगर इस तरफ जाएं तो ये जाता है चमसाचो ईस्ट का जो ट्रेन स्टेशन है और उस तरफ निकलता है। और ये ऊपर जो है ना सिलिसबरी रोड बस स्टॉप की तरफ जाता है और ये फिर आगे जो मेन के 11 मोसिया है उधर निकलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नीचे की जगह है शॉपिंग के लिए और यहाँ ऊपर भी है। तो चले ऊपर से होते हुए चलते हैं। मतलब तो आपको दिखाने का है तो भले निचले फ्लोर से जाएं या इस फ्लोर से, चीज़ एक ही है। तो जब आप आएँ तो फिर आप सब फ्लोर घूम सकते हैं, क्योंकि सब फ्लोर घूमने से फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को शॉर्ट रखूं। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ मुख्तलिफ ब्रांड्स की आउटलेट्स हैं। यहाँ जैसे आप नीचे देख सकते हैं सब कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हैं, पहले खाने की जगह है। और यहाँ ऊपर भी मोस्टली खाने की जगह हैं या फिर
ये अतर वगैरह हो गए, मतलब परफ्यूम शॉप से हैं, गिफ्ट शॉप से हैं, जो भी वॉचेस का है, लेडीज़ कॉस्मेटिक वगैरह हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ख़रीदना ही है, आप यहाँ घूमने के लिए भी आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं, कॉस्मेटिक वगैरह हैं। और यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक, कुछ ज्वेलरी शॉप्स हैं। और यहाँ से फिर आप बेसमेंट में भी जा सकते हैं, और बाकी जो ज्वेलरी शॉप्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी वापस ही चलते हैं। अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं ताकि आपको सी साइड दिखा सकूं। वैसे हांगकांग को इसीलिए शॉपिंग का पैराडाइज बोला जाता है, और पूरे दुनिया से यहाँ आपको लोग आते हुए मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक जगह है, आपको हर जगह हांगकांग ऐसे ही लगेगा। अच्छा, ये हम लोग आ गए अभी उससे ऊपर फ्लोर पे। यहाँ पे मोस्टली ये आप देख सकते हैं बियर बार वगैरह और शॉपिंग की जगह हैं, जहाँ से आप मुख्तलिफ आइटम खरीद सकते हैं। तो ये रास्ता निकलता है सीएसबी रोड की तरफ, और ये सीधा फिर वही जाता है जहाँ से अभी हम लोग आए। चले थोड़ा आपको घुमा के वापस आ जाता हूँ। तो ये समझे ग्राउंड फ्लोर हो गया, इससे ऊपर भी दो फ्लोर तीन फ्लोर हैं, उससे ऊपर फिर होटल्स शुरू हो जाते हैं, और इससे नीचे जैसे हम लोग जिससे आए हैं उससे भी नीचे दो बेसमेंट में और जगह हैं। ये आप देख सकते हैं शैनेल वगैरह और क्रिस्टियन लोबो, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स, मुझे तो प्रॉपर इनके नाम भी प्रोनाउंस करना नहीं आते। और अगर आप इधर से जाएंगे तो ये अगेन अपना वही रोड की तरफ रास्ता निकलता है, और इस साइड पे वो ऊपर फ्लोर की तरह निकलता है। तो हम लोग अभी वापस ही चलते हैं। यहाँ से ऊपर जाएँ तो ऊपर भी शॉपिंग मॉल है, और अभी चूँकि इसमें मुख्तलिफ गलियाँ हैं तो हमने एक डिफरेंट गली से निकलते हुए बाहर की तरफ चलते हैं। ये कार्टियर की शॉप है। दुनिया का जो ब्रांड आप बोले हांगकांग में वो आपको मिलेगा, और हांगकांग दुनिया का एक महंगा तरीन मुल्क है। कुछ लोग बोलते हैं दुबई बहुत आगे है, लेकिन दुबई हांगकांग से कंपेयर आप नहीं कर सके। जब आप हांगकांग आते हैं, ये आप देख रहे हैं सी साइड की तरफ रास्ता निकलता है, लेकिन हम लोग अगले रास्ते से चलते हैं। और यहाँ भी मुख्तलिफ ब्रांड के स्टॉल लगे हुए हैं, और ये आप ऊपर देख सकते हैं कितने फ्लोर हैं। तो अगर आप चाहें तो ऊपर तक आप जा सकते हैं, ये जाने का रास्ता है। चलिए आपको थोड़ा घुमा ही जाता हूँ, एक फ्लोर खाली ऊपर जाके वापस आ जाता हूँ। और जगह जगह आपको यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह मिलते हैं, जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी वगैरह स्नैक वगैरह ले सकते हैं। ग्राउंड से ऊपर फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर, और फिर आप देख सकते हैं जैसे
इसी साइड का दीदार कराते हैं। बाहर से काफ़ी हवा आ रही है, लग रहा है तूफान है बाहर। और अच्छा, ये यहाँ टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पिकअप ड्रॉप का पॉइंट है। शाम होने वाली है, पता नहीं आपको इसमें नज़र भी आ रहा है या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ वीडियो बना के आपको दिखा सकूँ। बादल भी काफ़ी है, वैसे अभी शाम होने का तो नहीं है, लेकिन चूँकि बादल बहुत है इसलिए एवेन्यू ऑफ स्टार भी बोला जाता है। तो आपको ये मैं दिखा दूँगा, देखिए हर 2 मीटर के फासले पर ये है। तो यहाँ शाम में टूरिस्ट और लोकल लोग आके काफ़ी इंजॉय करते हैं, और खाने पीने की आउटलेट्स भी हैं। अब सफाई का ध्यान देख सकते हैं कि कितनी सफाई है यहाँ पे, और सफाई करने वाले आपको नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ ज़मीन पे फेंकते हैं तो उसका फाइन कोर्ट में जाके नहीं होता, ऑन स्पॉट होता है, और वो 1500 हांगकॉन्ग डॉलर है जो तकरीबन 200 US डॉलर है। सामने आप देख सकते हैं बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंगों के ऊपर फुल स्क्रीन बनी हुई है और उसके ऊपर डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा। जो ओपन एरिया में स्टारबक्स भी है, यहाँ पे एरिया है जो लोगों को हार्बर में घुमाने लेके जाती हैं। कोई 150 लेता है, कोई 200 लेता है, कोई 180 लेता है, जिसकी जो ये कैफे बना के बैठाया हुआ है। पहले यहाँ एक्टरों की फुटेज होती थी, अभी उनको हटा के ये चीज़ें हो गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्टारबक्स। अच्छा, ये फेरियाँ हैं जो मेनलैंड टूरिस्ट को लेके जा रही हैं, हांगकॉन्ग वाटर टैक्सी इसको बोल रहे हैं। चिमसाचुई ईस्ट पियर से ये निकलते हैं और मेरे ख्याल में 100 कुछ डॉलर लेते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि रश कितनी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये अभी थोड़ी देर में यहाँ लाइट शो होगा। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, फेरी में बैठ के और पानी के अंदर ही होके ये वो शो देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन, और चाइनीज़ लोग जो मेनलैंड चाइना से आते हैं उनका है। और यहाँ इसके पीछे दूसरी फेरी है, ये जैसे निकलेगी तो वो फेरी आ जाएगी, और उसके पीछे भी आप देख रहे हैं कि और फेरियाँ आ रही हैं। ये सामने दूसरा K11 हयात रीजेंसी है, और ये K11 मूसिया और साथ में रोजवुड होटल है। और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत अंदाज में यहाँ स्टारबक्स ओपन एरिया में है, क्योंकि हांगकॉन्ग में इंडोर में अभी आप सिगरेट नहीं पी सकते, तो सिगरेट नोशों के लिए ऐसे ओपन रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं ताकि चले उनको तकलीफ ना हो। एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ ये। अच्छा, ये फेरी
चल पड़ी है यहाँ से, ये निकलेगी तो इसकी जगह पर दूसरी फेरी आएगी, क्योंकि टूरिस्ट लोगों की लाइन इतनी लंबी लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं सामने फेरी का टाइम। हांगकांग में आपको हर जगह पानी में फेरियाँ मिलेंगी, कुछ लोगों की अपनी हैं, कुछ टैक्सी के तौर पे चलती हैं। ये आप देख रहे हैं अभी ये जाएगी तो इसके पीछे दूसरी फेरी, वो सामने जो है वो आके यहाँ लगेगी और वो अपने पैसेंजर उठाएगी। ये आप देख सकते हैं अंधेरा होते जा रहा है, पता नहीं गोप्रो काम भी कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें मुझे तो काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं जितना कवर हो सके कर लेते हैं और फिर किसी दिन में आके वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। इसलिए आप माइंड नहीं करना कि एक ही जगह की वीडियो फिर बना रहा है, तो दिन और रात का आपको फ़र्क बताता हूँ कि रात में यहाँ लाइटिंग वगैरह काफ़ी होती है तो उससे थोड़ा रौनक होती है। ये वही जगह है जहाँ से अभी हम लोग निकले थे, और ये आप सामने देख सकते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स, खासकर ये चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन, जापान, कोरिया, इन आते हैं तो ऐसे ग्रुप में आते हैं और इनको फिर ग्रुप वाले ही लेके घूमते रहते हैं। यहाँ से भी थोड़ी देर पहले हम लोग आए थे, थोड़ा फेरी साइड दिखाते हैं। रेस्टोरेंट रहते हैं पता नहीं उसके लिए ये शीशे के बाहर क्या पर काम का है। अभी आप अगर हांगकांग आइलैंड पे होंगे और वहाँ उस साइड में जो ये सी साइड है वहाँ खड़े होंगे तो आपको कोलून ऐसे नज़र आ रहा होगा और कोलून से वो साइड ऐसे नज़र आ रही है, तो ये दोनों साइड्स पे इसी तरह लाइटिंग रहती है। अच्छा ये सामने पेनिनसुला होटल है ये वाला, और ये वाहिद होटल है हांगकांग में जहाँ पे हेलीपैड है ऊपर, और यहाँ पे जो वीआईपी है उनको हेलीपैड में डायरेक्ट एयरपोर्ट से लाया जाता है, और ये वही होटल है जो आपने जेम्स बॉन्ड 007 जो मूवी थी वो इसी होटल में बनी थी हांगकांग में, तो ये वो होटल है।
ये सामने वही आपको जो पहले दिखाया था, ये राउंड वाला वो स्पेस म्यूजियम, और ये साथ में कल्चर सेंटर है जहाँ पे मुख्तलिफ शोज होते हैं। वैसे यहाँ पे आपको तस्वीर बनाने वाले भी नज़र आ रहे हैं जो $20, $40 और $80 लेके तस्वीरें बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ स्पेशल कैमरे वाले या एक्सपर्ट जो हैं वो खड़े हुए हैं, तो आपसे लेते हैं 20, 40, 80, डिपेंड करता है आपको कौन सी फ़ोटो चाहिए उस हिसाब से आपको बना के देते हैं। हांगकॉन्ग म्यूज़ियम है जो बिल्कुल सी साइड के ऊपर वाक़ है, तो आप देख सकते हैं। अभी रात है लेकिन कोशिश करते हैं जितना फुटेज बना सकें बना के आपको दिखाते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे चूँकि इंडोर आपको सिगरेट नोशी की इजाज़त नहीं है, तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये ओपन रेस्टोरेंट काफ़ी बनाए गए हैं जहाँ पे आदमी बाहर बैठ के खा पी सकते हैं और अपना सिगरेट नोशी भी कर सकते हैं। ये फेरी पे लेके जाने वाली खड़ी है जो टिकट बेचते हैं। ये जो फेरियाँ यहाँ से लोगों को लेके जाती है ना घूमने के लिए। अच्छा, ये सामने जो है ये कल्चर सेंटर की बिल्डिंग है। कल्चर सेंटर के साथ साथ आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी खड़े होने की जगह है, और तस्वीर वगैरह खिंचाने के लिए यहाँ आप ऊपर जा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, अच्छा व्यू मिलता है। और ये भी यहाँ फेरियाँ हैं जो आपको फेरी पे लेके जाते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा ऊपर चलते हैं और आपको ये जो फर्स्ट फ्लोर है इससे जो व्यू आता है वो आपको दिखाते हैं। थोड़ा ऊपर चलते हैं और आपको ये जो फर्स्ट फ्लोर है इससे जो व्यू आता है वो आपको दिखाते हैं। हवा काफ़ी तेज़ है, आप आवाज़ सुन रहे होंगे शायद, आज टाइफून आने वाला है। सकते हैं ये जो फेरियाँ हैं ये प्राइवेट फेरियाँ हैं, यहाँ से इनको मतलब
वाटर टैक्सी भी बोला जाता है, तो ये रेलवे के आपको पूरा हार्बर घुमाती है। और यहाँ बिल्कुल नीचे ये भी एक टैक्सी है जो सब पैसेंजर का इंतज़ार कर रही है, तो ये आप नज़ारा कर सकते हो। और बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ, सब देख रहे हैं, सी साइड का नज़ारा ले रहे हैं। नीचे से ऊपर आने का रास्ता जहाँ से भी है, ये वैसे पुराना ट्रेन स्टेशन का टावर है, जो ट्रेन बेजिंग से पहले आती थी तो उसका लास्ट स्टॉप इधर होता था, लेकिन जो बाद में इन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रोन उड़ रहा है, कोई इससे फुटेज बना रहा है शायद। ये स्टार फेरी है, यहाँ से फेरियाँ जो है ना हांगकांग, आयरलैंड और दूसरी जगहों पे जाती है, आप देख सकते हैं। ये हांगकांग कल्चर सेंटर है, ये जैसा जो ही टावर है, पुराना ट्रेन टावर है, अभी ट्रेन यहाँ नहीं होती है। ये स्टार हाउस और साथ में स्टार फेरी बस टर्मिनल है, और ये स्टार फेरी है जो यहाँ से हांगकांग, आयरलैंड, वानचाई और दूसरी जगहों में सेंट्रल वगैरह जाती है। ये यहाँ स्टार फेरी बस टर्मिनल आप देख सकते हैं। नीचे आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं ये फेरी यहाँ भी लगी हुई है, तो मुख्तलिफ जगहों पे ये वाटर टैक्सी जिसको बोला जाता है, और ये तस्वीरें लेने वाले और ये आइसक्रीम वाले आपको जगह जगह मिल रहे होंगे। यहाँ अभी रात है लेकिन काफ़ी रौनक है, आप देख सकते हैं। चले इनके बीच से होते हुए चलते हैं वापस, और तो आपको ये स्टार फेरी का एरिया भी दिखाई देते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी चंद वीडियोस में शायद आपको दिखाया हुआ है, रश इतनी है कि आदमी चल नहीं पाता, और ये रश अभी कुछ भी नहीं है, ये सब कोरियन लग रहा है ग्रुप, क्योंकि यहाँ साउथ कोरिया, जापान और चाइना और इन ममालिक के लोग बहुत आते हैं शॉपिंग के लिए। ये फेरी हैं जहाँ से फेरियाँ जाती हैं सेंट्रल और वानचाई।
ये वैसे बड़े पैसेंजर जो शिप आते हैं ना, तो उनकी जगह उनका पोर्ट है, और ये इसके साथ में स्टार फेरी है जो जहाँ से लोकल हॉन्गकॉन्ग में फेरियाँ जाती हैं, और वो सामने जगह है जहाँ से मकाऊ फेरी जाती है। तो ये सिर्फ आपको चिमसा चोई फेरी साइट का आज पूरा वीडियो था, जो के 11 वोसिया शॉपिंग सेंटर वगैरह और इसके ऊपर था। तो यहाँ आगे ओशन सेंटर है, बिल्डिंग है, बड़ी बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल है, 3-4-5 फ्लोर हैं। तो अगर आप लोगों के घूमने का या हॉन्गकॉन्ग में कभी विजिट का कोई भी आए या लोकल लोग, तो काफ़ी अच्छी जगह है और हॉन्गकॉन्ग सेफ है, आप किसी भी टाइम बाहर निकल के घूम सकते हैं। शॉपिंग पैराडाइज है, वैसे प्राइसें बहुत अच्छी हैं और चीज़ आपको जेन्युइन मिलेगी। ये 1881 हेरिटेज है सामने, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। लेकिन इससे पहले ये जो है ना मैरीन पुलिस का हेडक्वार्टर होता था, तो उसी पुराने अंदाज में ये बना हुआ है, और यहाँ सब आपको फेमस बड़े ब्रांड मिलते हैं। और ये वही कल्चर सेंटर, अभी हम लोग पहले उस तरफ थे, अभी कल्चर सेंटर के बाएं तरफ आ गए। ये 1881 हेरिटेज के साथ हम लोग गुजर रहे हैं। 1881 हेरिटेज, लेकिन मोस्टली अभी तक बंद है क्योंकि कोविड के बाद तो प्रॉपर ओपन नहीं हुआ है। और यहाँ पहले तो होता था, पता नहीं अभी है या नहीं, जो हांगकांग का पुराना फायर डिस्प्ले होता था, शायद नहीं है। आपको अच्छा, हाँ इधर अभी भी खड़ा हुआ है। ये सबवे है, यहाँ से आप नीचे से गुजर सकते हैं। तो यहाँ रास्ते रोड के ऊपर से कम ही आपको क्रॉस करने पड़ते हैं। यहीं से आप रास्ता भी क्रॉस कर सकते हैं, यहीं से आप कल्चर सेंटर उस साइड पे जा सकते हैं, ट्रेन स्टेशन जा सकते हैं। अभी जैसा ये वाला रास्ता ट्रेन स्टेशन की तरफ निकल रहा है, तो हम लोग यहीं से ऊपर चलते हैं।